सियासत की बेला है लेकिन क्या चल रही लीला है, इस पर दरअसल बातचीत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं विपक्ष की भागम भाग, विपक्ष की एक्टिविटीज काफी तेज होती जा रही है। दर्शकों, बीते दिनों से लगातार हम देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से विपक्ष कभी भाग कर उस खेमे में, कभी विपक्ष भाग कर इस खेमे में, कभी इस घर में तो कभी उस घर में, दरवाजे किसी के खुले तो किसी के बंद, लेकिन आखिर इसमें जनता कहां है? सब अपना सियासी तिगड़म बिगाड़े में लगे हैं, हर कोई अपने मुनाफे की बातें कर रहा है, सौदेबाजी चल रही है, वोटों का ट्रांसमिशन चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आखिर विचारधारा कहां है? आखिर जनता के मुद्दे कहां है? आखिर जनता की बातें कहां है? यह जानना समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि कल तक जो सुभाषपा एक अलग बैनर के तहत चुनाव लड़ने की बात कह रही थी और इस बैनर के अंदर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी साहब, अब वही बैनर, वही चेहरा ओम प्रकाश राजभर जाकर समाजवादी पार्टी के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके बैनर के साथ असदुद्दीन ओवैसी भी समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो कल ही समझा रहे थे कि अखिलेश यादव को दरअसल इतिहास का ज्ञान नहीं, उनको दरअसल पता ही नहीं है कि जिन्ना का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं, भारतीय मुसलमान जिन्ना को अपना नहीं मानते, ना ही समझते हैं, या अखिलेश यादव को समझ जानी चाहिए। तो क्या ओम प्रकाश राजभर जो कल ब्रेकफास्ट कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी के साथ, क्या समाजवादी पार्टी कार्यालय असदुद्दीन ओवैसी को लेकर जाएंगे? क्योंकि समाजवादी पार्टी तो लगातार कहती आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी दरअसल बीजेपी की बी टीम है। अब या तो जनता मूर्ख है, या विश्लेषक मूर्ख है, या फिर सियासी पार्टियां कुछ ज्यादा ही चमत्कारी रूप से अपने पास सामाजिक और सियासत का ज्ञान रखती है। एक और खबर, खबर दरअसल यह है कि आरएलडी यानी जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ आ चुके हैं ऑफिशियल रूप से, बकायदा साइन स्टैंड और ठप्पा लगाकर, लेकिन प्रियंका गांधी के साथ बिना साइन, बिना ठप्पा, बिना ऑफिशियल लेटर की जो बातचीत हो रही है वो क्या? हालांकि ये तो सबको पता है, इस बात से मैं भी इत्तेफाक रखता हूं कि पॉलिटिक्स में, सियासत में हर चीज वाइट या ब्लैक नहीं होती, हर चीज ग्रे ग्रे में होती है, बिल्कुल यहां नहीं होती, बिल्कुल वहां नहीं होती, हर चीज बीच में रहकर काम करती है। लेकिन सवाल तो है कि आखिर सियासत में ये विपक्ष की जो भागम भाग चल रही है, ये विपक्ष जो कभी इस घर कभी उस घर, कभी कहते हैं दाल में काला है तो कभी कहते हैं पूरी दाल ही काली है, और कभी कहते हैं कि दाल तो बड़ी बढ़िया है, तो आखिर विपक्ष की जो सोच समझ नैया वो कहां है, और क्या पार लगेगी, और पार लगेगी तो कौन किस नाव पर सवार है? ये जनता के सामने कब तक ये जो धुंध है ये हटेगी? इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, इंसाफ का तारुफ करा देता हूं, अश्विनी शाही साहब हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, पीयूष मिश्रा साहब हैं, प्रवक्ता हैं सुभाषपा से, और यूसुफ कादरी साहब हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी से। तो हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हैं मेहमान, इनसे हम बातचीत करेंगे और बहस को आगे बढ़ाएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जिस चीज की मैं बात कर रहा था उस पर ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है। बहस शुरू करते हैं, सभी हमारे जितने मेहमान हैं सबको स्क्रीन पर लाया जाए, सुनील शाही साहब हैं, पीयूष मिश्रा साहब हैं, यूसुफ कादरी साहब हैं, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ठीक है, मेरी आवाज मिल पा रही है आप सभी को? ठीक है, सबसे पहले तो मैं यूसुफ कादरी साहब आपके पास आना चाहूंगा। यूसुफ कादरी साहब, जरा थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश करिएगा कि कादरी साहब जब आपके पास ओम प्रकाश राजभर आते हैं तो ओम प्रकाश राजभर उससे एक दिन पहले तक असदुद्दीन ओवैसी के साथ गले मिल रहे थे और उन्हीं के मंच के सहारे इस बार चुनाव में उनके साथ सांठगांठ करके चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। तो जब सुभाषपा आपके पास आती है तो क्या असदुद्दीन ओवैसी को भी साथ लाती है?
ये जो है, और ये चीज और क्लियर करिएगा कि रालोद भी जब आपके साथ आ गई है, लेकिन रालोद जो है वो कांग्रेस के साथ भी बातचीत की जो तस्वीरें हैं दिखती रहती हैं, तो ये है क्या? थोड़ा क्लैरिटी करिए, धुंध हटाइए थोड़ी सी। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जो हमारे माननीय हैं, उनका निर्णय है। अब वो जिस निर्णय के साथ जाएंगे तो हमारा उस निर्णय के साथ जाना वाजिब। ठीक है। और रह गया क्या नाम है आप? नहीं नहीं, मैं आपसे देखिए, सवाल बहुत क्लियर है, ये जनता को जवाब दीजिएगा, सीधे बताइए कि ठीक है आप कोई भी तो जो तोड़म ताड़ी जो फोड़ा फाड़ी जो भी चल रहा है। अरे आप तोड़म ताड़ी फोड़म फाड़ी की बात कर रहे हैं मेरे भाई, मगर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि डिबेट इस बात पे नहीं होनी चाहिए, इससे जनता का कोई फायदा नहीं है। पिछले नहीं, जनता का बिल्कुल फायदा है, जनता का बिल्कुल फायदा है। आप मुद्दे मत समझाइए, आप ये बताइए कि आपके पास अगर ओम प्रकाश राजभर आ रहे हैं तो क्या असदुद्दीन ओवैसी को लेकर आ रहे हैं? कल तक उनके साथ भी थे। आप मुझे अगर डिबेट पे बिना तो अपनी बात कहने का मौका दें। हाँ नहीं, आप फिर आपको बुलाया गया है, आप मेहमान हैं, आप जवाब दीजिए, डिबेट किस मुद्दे पर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए एडिटोरियल टीम तय करती है, आप जवाब दीजिए। साढ़े चार साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस बात पे डिबेट होना चाहिए। आज सुनिए, आप कह रहे हैं इस बात पर डिबेट होना चाहिए, उसके लिए अभी समय लगेगा आपको, पहले आप रिपोर्टिंग से स्टार्ट करिए, इंटर्नशिप करिए, उसके बाद कम से कम 10-12 साल पत्रकारिता करिए, फिर एडिटोरियल टीम में आइए, फिर एडिटर बनिए, संपादक बनिए, फिर 18-20 साल जब आपको हो जाएंगे पत्रकारिता में तब आप बताइएगा कि किस पर डिबेट करें। अभी आप जवाब दीजिए। आज जवाब मैंने दे दिया कि हम अपने नेता के साथ हैं, हमारे नेता जिस फासिस्टवादी सांप्रदायिकता और देश को तोड़ने वाले लोग अगर उनके खिलाफ अगर जिनसे भी हमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिससे भी हाथ मिलाएंगे, राजभर जी से हाथ मिलाएंगे या रालोद से हाथ मिलाएंगे तो हम लोग माननीय जी के साथ हैं। नहीं, आप वो किसी से भी हाथ मिलाएंगे आप मानिए, लेकिन जनता नहीं समझ पा रही ना कि आपकी विचारधारा दरअसल क्या है। आप एक तरफ उंगली उठाते हैं, कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, वोट काट लेंगे आपका जो वो गणित बिगाड़ रहे हैं, वही दूसरी तरफ आपके साथ जब ओम प्रकाश राजभर आते हैं, वही ओम प्रकाश राजभर एक दिन पहले तक असदुद्दीन ओवैसी के साथ बैठकर चाय बिस्किट नाश्ता कर रहे थे। तो जनता नहीं समझ पा रही ना कि चल क्या रहा, ये क्या सियासी ड्रामा है? कल तक इसकी गोद में, आज उसकी गोद में, कल तक इसके साथ चाय नाश्ता, कल उसके साथ चाय नाश्ता, चल क्या रहा है? कौन किसके साथ है? असदुद्दीन ओवैसी जो है वो ओम प्रकाश राजभर के साथ है, ओम प्रकाश राजभर जो है वो आपके साथ है। ये सवाल आप पर बिल्कुल आ रहा हूं, आपके पास बिल्कुल आ रहा हूं, पीयूष मिश्रा साहब आपके पास भी आऊंगा, इनको कंप्लीट कर लेंगे। ये सवाल इस बात का नहीं है। हमारे पड़ोस के जनपद में एक सांसद के बेटे के द्वारा 6 किसानों को लोन दिया जाता है। सवाल इस बात का 1947 में हमको आजादी मिली थी, ये भी बताइए, उसके ऊपर भी बताइए, जवाब दीजिए। आपसे सवाल क्या हो रहा है, आप कहां जा रहे हैं? मैं नहीं पूछ रहा आपसे, उस पर बहुत बहसें हो गई, चर्चा हो गई, चर्चा दरअसल कुछ और चल रही है, इस पर जवाब है नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, पीयूष मिश्रा साहब आपके पास आ रहा हूँ, आपकी उत्सुकता समझ में आ रही है, लेकिन रुकिए, ठहरिए, थोड़ा ठहरिए। नहीं नहीं, पीयूष मिश्रा साहब, मैं आदरणीय हमारे जो भाई साहब हैं, भैया बैठे हैं, इनकी बनाए हुए आप कथित तौर पे बनाए हुए चल रहा हूँ और कैसे कैसे मुझे डिबेट करना पड़ रहा है ये आप देख रहे होंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल मेरे पास पूरी कथित दी है, तो मैं चाहूंगा कि आप वो क्वेश्चन भी आप मेरे से ही कर लो, मैं अच्छे से उसका जवाब दे दूंगा। कादरी भाई तो हमारे गठबंधन के भाई है, समाजवादी पार्टी से, मैं पूरा जवाब दूंगा। असदुद्दीन ओवैसी भी तो आपके भाई है। बिल्कुल है, लेकिन तब जब तक वो ये दम भरते थे, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहे हैं इस बात को, भाजपा को हराने के लिए हम किसी के साथ। अरे हफ्ता, आप कैसी बात कर, पीयूष भाई ठीक है, चलिए दो मिनट मेरी बात, चलिए ठीक है भाई, जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका भी जवाब दे देता हूँ, और जो आप पूछना चाह रहे हैं उसका भी जवाब दे देता हूँ। ठीक है, पहली बात आप
थोड़ा सा कंफ्यूज मतलब दिखाई पड़ रहे हैं कि माननीय ओवैसी जी कहाँ आती है, हाँ। भागीदारी संकल्प मोर्चा में। नहीं नहीं मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, जनता कंफ्यूज हो रही है आपको देखकर, आप बताइए। चलिए बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, आपकी भी क्लियरिटी और जनता की भी क्लियरिटी दोनों को क्लियर मैं कर देना चाहता हूँ कि हम लोग भाजपा के साथ 2017 में आए थे, 19 में इस्तीफा देके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर निकल गए और बात दिसंबर 2019 में उन्होंने भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किया जिसके कन्वीनर खुद माननीय ओम प्रकाश राजभर जी थे, त्रिपाठियां आई सबको, उसके बाद हमने इन्विटेशन दिया कि भाजपा को हराने के लिए कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है कौन, जब हमारे उस मुद्दों को आप लोग साथ में आए। और जहां तक आप विचारधारा की बात कर रहे हैं, सुनील भैया हमारे बैठे हैं, पूछिए कौन सी ऐसी विचारधारा आ गई थी जो महबूबा मुफ्ती से जाके भाजपा ने कश्मीर में पीडीपी से गठबंधन कर लिया। आप अगर हमसे अच्छा तभी आप भी कर रहे हैं, तभी आप भी कर रहे हैं, उनसे भी ये बात पूछ रहे हैं। पहली बात, नंबर दो बात की भाजपा को हराने के लिए हम लोग कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है, जबकि हमारे मुद्दों के साथ जो भी आता है 15 तारीख को, एक और मैं बता देता हूँ जो आप पूछोगे, 15 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात कही, भाजपा के लिए भी दरवाजे खुले हैं। तो जब हमारे मुद्दों के लिए पिछड़े वंचित दलित शोषित इन सब पे लाठियां पड़ती है, जाट पूछकर थानों से गालियां देकर भगाई जाती है, तब हमारे मुद्दों को इनके ऊपर अन्याय ना हो इनको न्याय दिलाने के लिए, आज आपने देखा क्या हुआ, आप ठीक है अरे कुछ भी कोई भी कर ले, 27 तारीख को एक रैली हुई मऊ में, उसके बाद आज आपको पता क्या हुआ, क्या आज बांधा जाते थे, मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की गाड़ी चेक की गई है, जबकि वो एक जनप्रतिनिधि है और कोई गुंडे मवाली माफिया नहीं है। ऐसा क्यों किया गया, भाजपा डरी हुई है, हताश है, परेशान है, ठीक है, और देखिएगा अगली होली भाजपा की बहुत बुरी निकलेगी। ठीक है आएगा। नहीं होली और दिवाली सबकी अच्छी जाए, शुभकामना है, अश्विनी जी के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले पीयूष जी एक और आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि भागीदारी संकल्प मोर्चा था आपने बनाया, वहां पर आपने कहा कि सबके लिए दरवाजे खोले आपने, सब आ ही रहे थे, लेकिन जैसे ही सपा में दरवाजा आपके लिए खुला आप कूद कर सपा के अंदर चले गए। नहीं हमने न्योता दिया माननीय अखिलेश जी ने। अच्छा आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव आपके, आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जो है वो आपके मोर्चे में आई है, आप उनके पास नहीं गए, आप वो आपके पास आए हैं। ठीक है कादरी साहब, क्या समाजवादी पार्टी के मतलब, ठीक है मेरी बात पूरी हो जाने, हमने न्योता दिया माननीय अखिलेश जी ने न्योता को स्वीकार किया, उन्होंने हमें बुलाया और उन्होंने पूछा भाई अरे न्योता आप देंगे तो न्योता जातिगत जनगणना सुनते रहो आप, 300 यूनिट। चलिए ठीक है चलिए सियासी भाषण जो बोलकर आए ठीक है बोल लीजिएगा, समय अभी लंबा है, अभी बहुत लंबा है, ठीक है को दूर करना, क्योंकि याद होगा 2017 से 19 तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जब तक भाजपा के साथ थे गलत नीति का विरोध करते थे, अश्विनी जी पर आऊंगा, ठीक है, शहर का नाम बदलना हो चाहे दूसरे के काम का पीता काटना हो, भाजपा ने किया क्या बता दे, अरे डिबेट है पीयूष भाई आपको पता है डिबेट है, पीयूष भाई पीयूष जी बहस चल रही है, आप समय दीजिए सबको, सियासी भाषण देने लगे आप तो ठीक है, चलिए भाषण मैं नहीं देता हूँ, मैं वक्ता हूँ, प्रवक्ता हूँ, मैं मुद्दे गिनाता हूँ, मुद्दे पे रहता हूँ। ठीक है तो अश्विनी जी आप देख रहे हैं कि पीयूष जी जो है वो सीधे तौर पर आपके सामने कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो सुभाषपा से सबसे ज्यादा डरी हुई है, हमारा जो मोर्चा है उससे भाजपा डर चुकी है, और मोर्चा दरअसल इतना बड़ा हो गया, इन्होंने बातों ही बातों में इशारों इशारों में बता दिया कि मोर्चा इतना बड़ा हो गया कि समाजवादी पार्टी भी इसमें आ रही है, तमाम पार्टियां आ रही हैं, और ओम प्रकाश राजभर साहब जो हैं वो बड़ी ताकत के साथ, हम तो कल तक छोटे दल की बात किया करते थे, लेकिन आज पीयूष मिश्रा जी ने बड़े खुल कर बड़ी ताकत के साथ इस बात को रखा कि भाजपा जो है वो उनसे डर, भी दो सांसदों की पार्टी थी बहुत, ये भी तो बोला करो, ठीक है पीयूष जी कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो दो सांसदों की पार्टी है और आप डर गए हैं इनसे, चलिए ठीक है कभी थी, और हाँ और अश्विनी जी इनका ये भी कहना है कि इनके दरवाजे जो है आपके लिए भी खुले हुए हैं, आप भी इनके मोर्चे में शामिल हो सकते हैं, थे अब बंद हो गए, उसपे टिटकनी भी लगा दी है, और ये जो हरे और पीले का गठबंधन हुआ है, अरे पीयूष भाई अभी 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 4 मिनट पहले आपने कहा कि भाजपा के लिए भी दरवाजे खुले हुए हैं, अब आप कह रहे नहीं बंद हो गए, नहीं ये कहा गया था, लेकिन जब मुद्दों को हमारे मुद्दों को बात रखने की बात आई, स्वीकारने की बात, 4 मिनट में बदल गया, चलिए ठीक है माननीय अखिलेश जी ने स्वीकारा, हम उनके साथ, चलिए ठीक है अश्विनी जी और कंफर्म कर दूं, ये जो लाल टोपी और पीले गमछे का गठबंधन हुआ है उसको देख के दिल्ली से लेके लखनऊ तक चैलेंज कर रहे हैं, गठबंधन एक सेकंड, ठीक है अश्विनी जी जवाब दीजिएगा, अश्विनी जी जवाब दीजिएगा, उससे पहले पीयूष जी, ठीक है घटना सुबह का उदाहरण है बाना की,
ठीक है पीयूष भाई अब थोड़ा सा मैं भी बोल लूं, इजाजत हो तो। बिल्कुल सुनिए भैया, बिल्कुल। देखिए लाल और पीला गठबंधन हुआ है अभी, ये दोनों रंग मिलाकर भगवा बनता है, आप कहीं भी देख लीजिएगा। तो लाल पीला तो जो भी होना है, देखिए देखिए अब पीयूष भाई मैंने मैंने कुछ नहीं बोला था, आपने लाल पीला कहा, मैंने आप लाल पीले हो रहे थे तो मैंने कहा कि भाई वो भगवा ही बनता है, यानी कि लाल और पीला इज इक्वल टू भगवा, मेरा कहने का तात्पर्य। दूसरी बात मैं आ रहा हूं, देखिए कोई पार्टी छोटी होती है, कोई पार्टी बड़ी होती है, धीरे धीरे छोटी पार्टियां बड़ी हो जाती हैं, बड़ी पार्टियां छोटी हो जाती हैं। कांग्रेस देखिए 135 साल पुरानी पार्टी, आज 6% वोट की पार्टी उत्तर प्रदेश में बची है। पीयूष जी आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, छोटे दल हैं और अच्छे उभरते हुए दल हैं। पिछले आपको उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 0.7% वोट मिला था, ये आपके जब विधानसभा की बात कर रहा हूं, विधानसभा की बात कर रहा हूं आपसे, कितने सीटों पे लड़े थे उसका कैलकुलेशन। नहीं सुन लीजिए, मैं एक स्टैटिस्टिकल डाटा दे रहा हूं पीयूष भाई, आप भी बहुत होशियार आदमी है, आपके सामने गलत डेटा नहीं दूंगा, जो कि मुझे पता है कि आप एक अच्छे सुलझे हुए प्रवक्ता है, थोड़ा सा सुन लीजिए। आवाज आवाज चूंकि हमारी इको हो रही है, तो अगर आप बोल रहे तो तीन हो जा रही है। अपना दल ने 0.98% वोट किया था, मतलब वोट मिला था उसको। निषाद पार्टी को 0.64% वोट मिला था, 1.78% रालोद को वोट मिला था। आप पीयूष भाई इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा ये डेटा, मेरे पास है ये। और भारतीय जनता पार्टी को कितना मिला था, लगभग 40%, 1% कुछ कम, लगभग 40%। अब आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी आपसे डरी हुई है, समाजवादी पार्टी को जानते कितना मिला था, 22%। ये साहब हम लोग गठबंधन उसने किस याद है आपको याद है? नहीं मैं बता दूंगा, 8 सीट पे लड़े थे, 7% मैं बता रहा हूं ना, 0.7% बता रहा हूं। फिर गलत आप बोल रहे सर, कंप्लीट करिए आप, 0.7% मैं बता रहा हूं आपको, 8 सीट पे। देखिए चलिए ठीक है, कैलकुलेट करिएगा अब अच्छा हम आगे बोल रहे हैं, अब आगे बोल रहे हैं। दूसरा आपने आपने कहा कि हमारे एंकर महोदय का जो सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी, सुहेल देव समाज पार्टी या सपा में इधर उधर क्यों जा रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ओम प्रकाश जी बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं, जो लालू जी कहते थे रामविलास जी के लिए, वो मौसम वैज्ञानिक हैं, तो लेकिन उतने बड़े अभी नहीं हो पाए हैं। नहीं तो मौसम वैज्ञानिक है तो उनको सौदा लेकर, मतलब अश्विनी जी आप इशारों में ये कह रहे हैं कि उनको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की जो हवा है वो ज्यादा मजबूत है इस बार, तभी नहीं मैं कोई कह रहा हूं, वो अपना जो है दुकान खोलकर सबके लिए बैठे थे, और अभी पीयूष भाई ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी दरवाजे खुले थे हमारे और सबके लिए, लेकिन उन्होंने किया क्या, इनके नेतृत्व में समाजवादी, ये क्या नाम है, सुभाषपा ने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया, ये रेल के इंजन थे और बाकी लोग डब्बे थे, इंजन ही भाग गया सपा में, अब डब्बे बचे हैं, तो डब्बे ने घोषणा कर दिया है 100 सीट लड़ाने की। अब दहशत समाजवादी पार्टी में इस बात की है कि हमारा ओवैसी अगर 100 सीट पर खड़ा करते हैं तो मेरा मुस्लिम वोट कहां जाएगा, तो कल जो है जिन्ना को प्रकट किया उन्होंने, ये राजनीति की जो पकड़ है इधर से उधर होने की, ये भाजपा ये सोच रही है कि हम अपना 0.7% वोट लेकर पहुंचेंगे और 22% में जोड़ देंगे और 50% जिसकी अपेक्षा है उसको हम हरा देंगे। दरअसल आज के नहीं होने जा रहा अश्विनी जी, दरअसल आज का जो कार्यक्रम है इसकी संरचना जो है, मुझे लग रहा है आप तीनों लोग समझ पा रहे होंगे, आज के कार्यक्रम की संरचना इसलिए की गई है, इसका जो लबोलुआब है वो ये है कि जो विपक्ष में जो भागम भाग लगी है कि कोई इनके साथ है कोई उनके साथ है, और जो थर्ड पर्सन है वो फर्स्ट पर्सन पर ही आरोप लगा रहा है, और है सब इंटरकनेक्टेड मिले हुए, तो जनता नहीं समझ पा रही कि दरअसल करना क्या है और इसका फायदा आपको मिल जाएगा, ये समस्या है।
फायदा देखिए, राजनीति में कुछ भी किया जाए तो फायदे के लिए किया जाता है। ओम प्रकाश जी गए सपा में तो फायदे के लिए गए, सपा ने उनको मिलाया तो फायदे के लिए मिलाया। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सुभाषपा ने धोखा किया, जिससे उसको मंत्री परिषद से निकालना पड़ा था, आज वही धोखा उन्होंने भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ कर दिया। चलिए ठीक है, कादरी साहब ने फायदे के लिए ही कश्मीर में इन्होंने गठबंधन किया, मतलब ये फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। राजनीति बोल के चले आए, राजनीति में देखिए, मैं इनके दो साल तक मलाई खा के या उनको देखे जो लोग जिनके खिलाफ ये बोलते थे और दो साल तक सरकार चला के ये चले आए। देखिए कादरी साहब उस मामले पर इनकी चौतरफा आलोचना होती रहती है और हमेशा होती रहेगी। ये इनके साथ एक ऐसी चीज जुड़ी हुई है जिसको लेकर इनकी हर बार आलोचना होती है, ये खुद ही अपने मुद्दों पर घिर जाती है बीजेपी। लेकिन अभी कादरी साहब उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ही बात करते हैं। इन्होंने मैं किसी के गठबंधन का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी राजनीति में संभावनाएं हमेशा खुली रहती है इसको मान के चलना चाहिए चाहे जहां भी हो। ये बताइए भाजपा का अभी कितने पार्टियों से गठबंधन है और लोकसभा के चुनाव में कितने परसेंट वोट मिले थे, बस खाली एक बात बता चुके जी हमको लगभग 40% मैंने बताया ना, 40% क्या बात, 2019 के लोकसभा चुनाव में कितने परसेंट में वोट मिले थे और कितने पार्टियों से गठबंधन, 37% फिर से चेक करिएगा। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें 403 सीटें हम 8 पे लड़े थे और 4 पे जीते थे, सुनिए आप ही के गठबंधन के साथ लड़े थे, आपको याद होगा। लेकिन हमारे बदौलत 4 सीट आ गई आपकी, भाई ने तो आप कहा पाते एक सीट भी नहीं पाते आप, हमारे बदौलत आपकी 4 सीट आ गई। थोड़ा सा मैं भी लिखा पढ़ा हूँ, मैं भी कैलकुलेट करना जानता हूँ, 403 सीट में 8 पे हम लड़े थे 4 पे जीते, तो भाई जहाँ हम लड़े रहे वही ना हम कैलकुलेट कर सकते, बताए गुरु हम 403 के थोड़े ने बताए। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आपको आपको पूरे वोट में 0.7% ही मिला। नहीं, पीयूष मिश्रा साहब का ये कहना है कि वो आपके साथ थे उस वक्त इसलिए आपकी जीत हुई, ठीक है, तो हमारे वजह से जीत गए ना ये 4 सीट। नहीं, वो कह रहे हैं कि उनकी वजह से आप जीत गए, ठीक है, आपके वजह से नहीं जीते, आप हमारी वजह से 325 का आंकड़ा छुपाए। बिल्कुल देखिएगा इसी 2022 के चुनाव में, अब हम आपके साथ नहीं है आपकी क्या हश्र होगा पता लगेगा। ये जो यही गलतफहमी आप देखिएगा जो जातीय सम्मेलन, पता है एंकर महोदय इनके इनके जब कैबिनेट मंत्री बने केंद्र में, इन्होंने लखनऊ में खूब होल्डिंग लगाई ओबीसी समाज से फलनवा। दरअसल एक गलतफहमी तो हमको भी हो गई, एक गलत फहमी तो हमको भी हो गई। इनके पास खूब पैसा था होल्डिंग लगाने के लिए, देखिए, और उसके बाद ये कहेंगे कि हम सबका साथ और सबका विकास नहीं, एक गलत फहमी तो हमसे भी हो गई जिसको अभी आपने दूर कर दिया। आप जो है ओबीसी एससी का होल्डिंग लगा के कैटेगराइज करके, ठीक है पीयूष मिश्रा जी, ठीक है कादरी साहब के पास आऊंगा, कादरी साहब काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, कादरी साहब के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक गलत फहमी थी। जब हम लोग रिसर्च करते हैं चुनावों को लेकर, तो 2017 के जब चुनावों पर रिसर्च की गई तो पत्रकारिता के हिसाब से बताऊंगा तो हमको ये समझ में आया कि मोदी लहर थी और मोदी की जो हवा चल रही इस वजह से काफी लोग जो थे वो चुनाव में बीजेपी के पक्ष में चुनाव चला गया पूरा। लेकिन आज आपने पीयूष मिश्रा साहब मुझे बताया कि दरअसल ओम प्रकाश राजभर जी थे, उनकी हवा कहीं बह रही थी, इस वजह से चुनाव जो था वो बीजेपी के पक्ष में चला गया और अब आप अपनी हवा पानी लेकर समाजवादी पार्टी में चले गए। एक बात बताओ, 2014 में तो ये सुनामी लाए थे ना लोकसभा में, वो भी कौन सी इनके जरा जान पड़ी थी कि ओम प्रकाश राजभर जी से गठबंधन करना पड़ा, अगर दम नहीं था तो काहे गठबंधन किए। आपने कभी बताया ही नहीं कि सारथी कौन है, गठबंधन करना पड़ा नहीं, आपने कभी बताया ही नहीं कि सारथी कौन है, आप पहले बता देते। खैर चलिए ठीक है, कादरी साहब के पास आऊंगा, काफी देर से पूछ लो ना, आप ये पूछ लो, 14 में तो भैया तुम लोग सुनामी लाए थे, 17 में काहे ओम प्रकाश राजभर जी से गठबंधन कर लिए थे, पूछ लो। ठीक है हमारे से तब से एनडीए बना है और हम लोग तब से सबको साथ लेकर चल रहे हैं पीयूष भाई।
माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से हम लोग एनडीए बनाए थे और सबसे साथ लेकर चल रहे हैं और आज भी लेकर चल रहे हैं और आगे भी लेकर चलेंगे। दूर के ढोल पुराने होते हैं। ठीक है, ठीक है, हालत कर दी है आपने, सबको देख रहा हूँ। ठीक है, अब ये कौन सी बात है पीयूष भाई, अब लीजिए बात क्या हो रही है, बात क्या हो रही है और कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं, बात क्या हो रही है, आप कहाँ जा रहे हैं? कम से कम आप तो तथ्य पर रहते हैं, तथ्यों पर रहिए भाई। अरे हम एकदम अच्छा, ठीक है कादरी साहब, ठीक है चलिए पीयूष जी हो गया। ठीक है कादरी साहब, ये बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो आप उनको किस नजर से देखते हैं? किस नजर से देखते हैं? वो देश में भाई सांसद हैं अपनी पार्टी के, वो और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अपनी पार्टी के। नहीं, आप किस नजर से देखते हो? जिस नजर हम लोग किस नजर से देखते हैं, जिस नजर से आपने बताया कि हम एक सांसद की नजर से एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस नजर से हम लोग देखते हैं। अच्छा ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को जो है इतिहास का ज्ञान नहीं है, अखिलेश यादव को दरअसल कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ मुस्लिम वोटों को पाने के लिए वो ऐसी बातें बोलते हैं, जिन्ना से उनका कोई लेना देना नहीं है भारतीय मुसलमानों का, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव ने जो बयान दिया उसको लेकर वो उनको घेर रहे हैं और बता रहे हैं कि दरअसल सिर्फ मुस्लिम वोटों को पाने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं। और ये जानते हैं आप ही से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप ओम प्रकाश राजभर से जुड़े हुए हैं और ओम प्रकाश राजभर का जो मोर्चा है उसमें असदुद्दीन ओवैसी है। अरे भागीदारी मोर्चा कहाँ है आपका? आपका भागीदारी मोर्चा कहाँ है? भागीदारी मोर्चा कहाँ है? खत्म हो गया भागीदारी मोर्चा? खत्म हो गया मतलब एक आपने मोर्चा बनाया, भागीदारी मोर्चा बनाया, उसमें काफी संगठन बुलाए, पार्टीज बुलाई और फिर खुद ही छोड़कर भाग गए। 27 तारीख को आपको रैली नहीं दिखी, 8-9 पार्टी के अध्यक्ष राष्ट्रीय नहीं दिखे। अगर वो आना चाहते हैं उनका भी हम लोग खैर मकदम करेंगे, बिल्कुल स्वागत करेंगे, वो आए सपा के साथ बिल्कुल जुड़े। हम लोग उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने के लिए कटिबद्ध और प्रतिबद्ध। कल तक तो आप कह रहे थे कि सभा, अब कल तक समस्या कहाँ आ रही है? देखो पीयूष भाई जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे बिल्कुल। पीयूष जी समस्या यहाँ आ रही है दरअसल कि अखिलेश यादव कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है बीजेपी की। एंकर महोदय अगर वो बी टीम नहीं है तो आज सपा के साथ क्या दिक्कत? प्रदेश में रोजगार के लिए, प्रदेश में किसानों की जो बॉर्डर पे 3 कानून को खत्म करने के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, मजदूर जो जिनके जिनके आने जाने दिल्ली से लेके बिहार तक लोगों की मौत हुई, इन सब के लिए अगर अच्छे दिन लाने के लिए, जिन अच्छे दिन का इन लोगों ने वादा किया था जी, मैं पीयूष भाई हैं यहाँ पे, मैं पीयूष शाही साहब, मैं इनको भी कोट करना चाहूंगा कि इन्होंने अच्छे दिन के बाद अगर इन सबके लिए, इन सबसे दूर करने के लिए अगर हमें सरकार बनानी है, सरकार लानी है, तो है। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे साथ, जनता भरोसा कैसे करे आप? जनता आप पर भरोसा कैसे करे? कभी राहुल गांधी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, कभी मायावती जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, बाद में चुनाव खत्म होने के बाद उन्हीं पर आरोप लगाते हैं, जनता विश्वास कैसे करे आप? हमारी विचारधारा से जो लोग भी मेल खाते हैं, अगर वो आना चाहते हैं तो उनका स्वागत। ठीक है, मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, कभी आप राहुल गांधी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, कभी आप मायावती जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, फिर बाद में चुनाव खत्म होने के बाद उन्हीं पर आरोप लगा देते हैं, आपकी विचारधारा भी तो होगी, पॉलिटिकल पार्टीज की एक विचारधारा भी तो होनी चाहिए, विचारधारा भी तो होती है। ये सवाल आपको आज मुझसे ना करके अगर ये हमारे बीजेपी के नेता हमारे बैठे नहीं, दरअसल दरअसल आज का जो मुद्दा है महंगाई का मुद्दा है, इनको खूब लपेटा जाता है, बीजेपी को महंगाई के मुद्दे पर खूब लपेटा जाता है, लेकिन आज जो मुद्दा है वो दरअसल ये है कि विपक्षी जो इधर उधर भाग रहे हैं, इधर उधर जो उनकी गोलबंदी चल रही है, लेकिन उसमें समझ नहीं आ रहा कि कौन किस विचारधारा के साथ अटैच हो रहा जाकर। पीयूष मिश्रा जी आप लगातार बोल रहे हैं, थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़ा सा। कौन सा ऐसा दल बचा है जिससे गठबंधन ना किया हो? कोई दल बचा है? गाड़ी रुकी हुई है। ठीक है, चलिए ठीक है, बोलिए रखिए।
अब रोक ही दिया तो बोलिए। बात जो आप कह रहे थे महंगाई के मुद्दे पे, तेल का दाम कहाँ चला गया? नहीं, मैं वही कहा, मैंने कहा इस मुद्दे पर इनको लपेटा जाता है, सवाल होते हैं वो बहस अलग होती है, हर बहस का एक मुद्दा भी होता है ना, आज मुद्दा कुछ और है। कमर्शियल सिलेंडर बढ़ा है, आपको पता होगा अच्छे से, ये सब कहाँ पहुँच गए याद होगा आपको, यही भाजपा कांग्रेस बढ़ा, महंगाई, राष्ट्रीय सुरक्षा, ऐसे तमाम मुद्दे हैं, मुद्दों की एक फेहरिस्त है लंबी, लेकिन जिस मुद्दे पर बहस हो रही है उसी पर रहते हैं, मुद्दे को डिरेल मत करिए। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे जनपद के भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने भी किसानों के मुद्दे पे खुलकर बात की, उन्होंने कहा कि किसानों के साथ गलत हो रहा, ठीक है, तो बात आज आज ठीक है। तो अश्विनी जी दरअसल यूसुफ कादरी साहब और पीयूष मिश्रा साहब का ये कहना है कि दरअसल जो तमाम समस्याएं आ रही हैं, जो गलत हो रहा है, अच्छे दिन का वादा किया था आए नहीं, इसलिए बाकी सब लोग गोलबंदी कर रहे हैं, सब लोग साथ आ रहे हैं ताकि आपको सत्ता से हटाया जा सके, आपने झूठ बोला इसलिए। पीयूष मिश्रा साहब थोड़ी देर रुके, पीयूष जी, रात को 12 बजे महिलाएं सोने से लग के जा सकती है, वही सवाल क्या पीयूष जी, आप 30 सेकंड सुन लीजिए, 30 सेकंड के बाद आप ही के पास आ रहा हूँ, 30 सेकंड सुन लीजिए अश्विनी जी, जवाब सर मुझे जल्दी है, सर मुझे निकलना है, बिल्कुल 30 सेकंड के बाद। अरे पीयूष भाई आप कहा जल्दी है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम लोगों का भी साथ लीजिए, कुछ सुनिए, कुछ सुनाइए। देखिए मैं पीयूष जी मैं बताना चाहूंगा और उसके बाद मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। भाई पीयूष जी देखिए, मैंने जो 37 था वो गलत था, 39.7% 17 में मिला था हमको और लगभग 50% हमको मिला था 19 में, लगभग 50% 49.% ये मैं आपका करेक्शन कर लिया, आप खोजते रहिए। आप दूसरा महंगाई की बात आप लोग करते हैं, महंगाई आज मुद्दा नहीं है, लेकिन 1247 रुपए का 1 जनवरी 2014 को 1247 रुपए का सिलेंडर मैंने खरीदा। सरसों का तेल का दाम बढ़ा है, अगर सरसों का भी दाम 7,500 रुपए क्विंटल सरसों का दाम बेच रहा है। देखिए महंगाई, दरअसल महंगाई पर बात नहीं हो रही, महंगाई पर अलग चर्चा है, नहीं, नहीं हो रही है। लेकिन अश्विनी जी मैं ये चाह रहा था, अश्विनी जी कह रहे हैं कि इनको मजबूरन साथ में आना पड़ा इन सभी को, क्योंकि आपने जो वादे किए वो सब झूठे साबित हुए, तो इसलिए आपको सत्ता की कुर्सी से हटाने के लिए इन सबको साथ आना पड़ रहा है, ठीक है। नहीं, ये एक जो 2014 के बाद से जिस प्रचंड वेग से माननीय मोदी जी और 2017 से योगी जी 17 में आप 2014 में हमारे साथ हमने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई, उस समय भी एनडीए था। 2019 में हमने सरकार बनाई, उसमें भी एनडीए था और हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से थी भारतीय जनता पार्टी की, उसके बावजूद भी हमने एनडीए के सहयोगियों को रखा, उसमें मंत्रिमंडल में स्थान दिया। उत्तर प्रदेश में भी यही काम किया, आपके राजभर जी को जब मंत्री बनाया तो उनकी आवश्यकता नहीं थी, वहां हम जीत चुके थे उतनी सीटें, लेकिन हमने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए उनको मंत्री बनाया। अब यही देखिए ये बीड़ा क्या है, अरे भाई अब रुक जाइए, अब सुनने की भी थोड़ा सा सुन लीजिए, यही पीड़ा है इन लोगों की, गलत बोलेंगे चाहे नहीं, 15 सेकंड और बोलिएगा फिर आप आइएगा, फिर आप जवाब दीजिएगा इसका, ठीक है जी। कोई भी दल हो विपक्ष का, आज माननीय योगी जी, कर्मयोगी आदित्यनाथ जी ने कोरोना से लेकर और आज पूरे प्रदेश में जो दो दो बार दौरा करके और विकास की, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जिस पर आप चल रहे हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और सबके जो है उस उद्घाटन की तिथि तय हो गई है, माननीय प्रधानमंत्री जी आकर उसका लोकार्पण करने वाले हैं और आप ही के सभा में 9 मेडिकल कॉलेज का अखिलेश जी ने स्वीकारा है कि 9 मेडिकल कॉलेज बना है, आप ही के सभा में तो आप मानने लगे, आज उसी रोड पर आप चल रहे हैं तो हमको कदे बनवाया, हमने नहीं बनवाया इसका, यह हमारे शासन काल में बना, ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बना और उत्तर प्रदेश की जनता के पैसे से बना, ठीक है पीयूष मिश्रा जी, ठीक है ये कोई ठीक है पीयूष मिश्रा जी देखिए
एंकर महोदय, मेरे पास समय की कमी है, इसलिए मैं 2 मिनट में अपनी बात पूर्ण करना चाह रहा हूँ, कर रहा हूँ। ठीक है, अश्विनी भैया ने स्वीकार लिया, जो भाजपा के हमारे बड़े भाई प्रवक्ता बैठे, इन्होंने स्वीकार लिया है कि उनके कैलकुलेशन में गड़बड़ी थी, चाहे वो वोटिंग परसेंटेज हो, बाद में घटने से बढ़ गया इसका, या बढ़ने से घट जाए, बात इनके ऊपर जाती है। पहली बात, नंबर दो बात, अगर बात आती है विकास की, विकास कैसे हुआ है ये सब कागजों में दिखाई पड़ रहा है, और जमीन पे धरातल से कुछ नहीं है। ठीक है, नंबर तीन बात आती है, अगर हमारे गठबंधन की, भाजपा और सपा के गठबंधन की, तो उसका तुरंत उदाहरण ये है कि आज बांदा जाते समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की गाड़ी और सूटकेस की तलाश मिल गई है, आज के पहले ऐसा कभी नहीं किया। क्यों न ली जाए भाई, ये जान रहे हैं, जब जब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री गृह मंत्री जो है वो चोरी कर रहा है, भाजपा की न्यू हिल चुकी है, और आप देखेंगे आगामी 2022 के चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश से भाजपा का अपना दल ने उठ पाया था, तो आप जो है किस तरह मगालते में रहिए, पप्पा और पप्पा भी इसीलिए गठबंधन किए थे। ठीक है, पीयूष मिश्रा जी बताइए, ठीक है, कैबिनेट विस्तार में पटेल उठाने के लिए आपने क्या क्या किया भाई साहब, सीट भी ज्यादा पाई थी, अश्विनी भैया थोड़ा सा लिख लिया, पढ़ लिया करो भैया, फिर बात किया करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थोड़ी सी मुझे आज की पर्व का इतवार घर भी निकलना, तो मुझे चलिए ठीक है, बहुत चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका। तो अश्विनी जी आप सुन रहे थे, लगातार आप पर वार किए गए हैं, वो कह रहे हैं कि दरअसल वो थे तभी आप जीते, तभी सब कुछ होता रहा। अब देखिए, आप लोग के पास तो सर्वे टीम है पूरी, और मैंने जो वोट का परसेंटेज गिनाया ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था लोकसभा का, उनको मैंने बता दिया 49% के ऊपर हम लोगों ने वो लिया था, लेकिन इनका जो परसेंटेज था 0.7% था, 22% के आसपास समाजवादी पार्टी थी, और लगभग इतना ही बहुजन समाज पार्टी थी उस चुनाव में, जबकि लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी से ज्यादा वोट परसेंटेज में थी। लेकिन उस समय ये इन लोगों को लगा था, जब बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया या कांग्रेस से गठबंधन किया समाजवादी पार्टी ने, तो ये लगा कि हम दोनों लोग अलग अलग सत्र में चुनाव लड़े, अगर मिलकर लड़ लेंगे बहुजन समाज पार्टी के साथ तो भारतीय जनता पार्टी को हम लोग हरा सकते। चलिए चलिए, और वो विफल हो गया, और आज जो है वही मिश्रा जी ये कह रहे थे कि हमारे वजह से, देखिए ये हमारे वजह से नहीं होता है कुछ, तो हमारे वजह से कल तो ये सपा को भी कहेंगे कि हमारे वजह से सपा का वोट परसेंटेज बढ़ गया भाई, 24 हो गया, ये हमारे वजह से बहुत मायने रखता है। चलिए ठीक है, यूसुफ कादरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपको जवाब में। जी मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे अश्विनी शाही साहब ये कह रहे हैं कि बसपा और सपा ने मिलके लड़ा, मैं ये पूछना चाहता हूँ 14 साल तक आप यूपी के सरकार से बाहर थे, आपने कई लोगों से गठबंधन किया और आपस में कोई भी व्यक्ति, हम लोग आपस में अगर कोई भी, आप भी गठबंधन कर रहे हैं, आपने अभी गठबंधन किया, हाल ही में गठबंधन किया, सवाल इस बात का है, अभी ये कह रहे थे विकास के बाद, शायद अभी जितने भी इन्होंने पत्थर लगाए हैं वो सब आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के कराए कामों पे इन्होंने लगाए। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं, ठीक है, समझ गए मैं आपकी बात, आप कह रहे हैं कि काम दरअसल आपने कराए लेकिन क्रेडिट इन्होंने ले लिया, ठीक है। सवाल इस बात का है कि आज नौजवान बेरोजगार है, 4.5 साल बीत जाने के बावजूद भी किसी भी नौजवान को रोजगार नहीं मिला। चलिए ठीक है, रोजगार, महंगाई, तमाम मुद्दे हैं, ठीक है, समय की कमी के कारण आपको यही रोक रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कादरी साहब आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, तमाम चर्चा के लिए, आपका अश्विनी शाही साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। लेकिन इसके साथ ये सवाल अहम हो जाता है कि विपक्ष में जो भागम भाग, आखिर एक जगह से दूसरी जगह जाने के बीच में जो रास्ते पड़ रहे हैं, यहाँ पर कहीं जनता की बात भी होती है क्या, जनता के मुद्दों पर भी कुछ भी कहा या सुना जाता है, या सियासत में सिर्फ नफे नुकसान पर ही बातचीत होती है। फिलहाल के लिए इतना ही, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होती है, शुक्रिया।